गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये जो आज एक्सप्लेनेशन है क्लास थ्री के लिए है, चैप्टर वन पूनम्स डे आउट। इसकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपको जो लास्ट वीडियो भेजा था उसमें मैंने आपको बताई थी इसकी स्टोरी क्या है। स्टोरी में एक छोटी लड़की है जिसका नाम पूनम है और वो दो दिन से बीमार होती है और उसकी मम्मी से जिद करती है कि उसे स्कूल जाना है, ठीक है। और उसकी मम्मा उसे फिर कहती है, एडवाइस देती है कि बाहर जाकर वो आराम करे। और जब वो बाहर जाती है तो पेड़ के नीचे कॉट पे जब वो आराम कर रही होती तो वो कुछ बर्ड्स को, एनिमल्स को ऑब्जर्व करती है उस पेड़ के ऊपर, यू नो, उसके ब्रांचेस पे। और फिर कुछ उसके मुंह पे गिरता है अचानक और उसे साफ करती है लीफ से। और फिर उसे स्टिकी स्टिकी जब फील होता है तो वो उस नज़दीकी एक पॉन्ड होता है, तालाब होता है, वहाँ पर जाती है और उसे वॉश करती है। और वहाँ पर भी वो कुछ एनिमल्स और बर्ड्स को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो ये स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पूरी तरह समझाई थी, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ऑलरेडी दो क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे, नेक्स्ट आज करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन ऑन द ट्री, ठीक है। कुछ एनिमल्स के नाम बताओ, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, एनिमल्स एंड बर्ड्स विच कैन बी सीन ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन से एनिमल्स यानी जानवर और पक्षी देखे जाते हैं। अब सबसे पहले ऑन द ब्रांच यानी उस पेड़ की, किसी भी पेड़ की टहनी पर हम कौन से जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन से होते हैं, वो बर्ड्स, पैरट, ठीक है, तोता। नेक्स्ट होते हैं पिजन, ठीक है, क्रो, कौवे, मंकी, ठीक है। ये कुछ एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख सकते हैं किसी भी पेड़ के ब्रांचेस पे। नेक्स्ट होते हैं ऑन द लीव्स। अब पत्तों पे हम क्या देखते हैं, कौन से बर्ड्स को या इंसेक्ट को या एनिमल्स को। एनिमल्स तो शायद पत्ते पे नहीं देखने मिलते हैं, बट लीव्स पे जो होते हैं ना वो इंसेक्ट ज्यादातर देखने को मिलते हैं, करेक्ट। तो वो सबसे पहले कौन से होते हैं, बीटल, ठीक है, बीटल यानी जो भृंग कीड़ा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बीटल। नेक्स्ट होते हैं ग्रास हॉपर एंड फाइनली होते हैं कैटरपिलर, ठीक है। ये कुछ इंसेक्ट हैं जो लीव्स पे पाए जाते हैं। ऑन द ट्रंक यानी ट्रंक पे, पेड़ का जो तना होता है ना, उस ट्रंक में कौन से जीव रहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले रहते हैं वो होते हैं एंट, चींटियां। चींटियों का घर ज्यादातर आप देखोगे पेड़ के ट्रंक में ही, अंदर वो घर बनाती हैं, ठीक है। जो होल्स होते हैं ट्रंक, उस तने में, पेड़ का जो तना होता है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसमें वो अपना घर बनाती हैं एंट्स, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं स्क्विरल्स, गिलहरियां, ठीक है, स्क्विरल्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं देन टर्माइट। अब टर्माइट जो होते हैं वो होते हैं दीमक कीड़ा जिसे कहते हैं, ठीक है, दीमक होते हैं टर्माइट, ओके। नेक्स्ट होते हैं ऑन द ग्राउंड। अब उस पेड़ के जो जमीन में कौन से जीव मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे रैट्स जो होते हैं, चूहे, वो उस पेड़ की नो नीचे जमीन में जो बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है, रैट्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं स्नेक, ठीक है, स्नेक्स भी उस पेड़ के नीचे ही जगह अपने घर बनाकर रहते हैं, उस होल में रहते हैं। नेक्स्ट होते हैं रैबिट, ठीक है, जमीन के अंदर ये भी टनल बनाकर रहते हैं। अराउंड द ट्री यानी उस पेड़ के आसपास हमें कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो बहुत से मिलते हैं, जैसे कि हमें कैट देखने को मिल सकती है, डॉग, ठीक है, डॉग्स भी देखने को मिलते हैं, देन वी कैन सी काउ, बफेलोज, मैनी मोर एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने आज कुछ 5 क्वेश्चंस किए हैं, जो ऑन द ब्रांच पे कौन से हमें बर्ड्स, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लीव्स पे, ट्रंक पे, ग्राउंड पर और पेड़ के आसपास कौन से देखने को मिलते हैं बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेट करता है, पूनम्स डे आउट, ठीक है। और इसके साथ आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ऑलरेडी अब जो है कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क वर्कशीट में दे रही हूँ, प्लीज उन्हें रिवाइज कीजिए, घर पर लर्न कीजिए, इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए, ओके, घर पर रिवीजन कीजिए सारे क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है, ओके, थैंक यू।